अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते पढ़ा है कि भारी हरूफ के बारे में, ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर खोलें, पेज नंबर 25, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमें दिए गए हैं कि भारी हरूफ के गिर दायरा लगाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, अब हमें इसमें कुछ हरूफ तहजी दिए हुए हैं और कुछ हमें दिए हैं भारी हरूफ, ठीक है। भारी हरूफ आपको मैं बताती चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम हरूफ तहजी में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ हम हे लगाते हैं, जो चश्मी है, तो वो भारी हरूफ बन जाते हैं, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे हमें ये क्या दिया हुआ है, अलिफ मद आ, ठीक है, और ये है छह ठे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा भारी हरूफ है? ये तो हरूफ तहजी है, ये भारी हरूफ नहीं है। ये भारी हरूफ है, इसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। ये क्या है? नून। ये है मह मह, ये भी भारी हरूफ है। ये है से खे पह फ, ये भी भारी हरूफ है। ढह ढ, ये भी भारी हरूफ है। दाल ते रे लह लह, ये भी भारी हरूफ है। लाम बाह भ, ये भी भारी हरूफ है। हमजा स्वाद थ तह थ, ये भी भारी हरूफ है। छोटी ये रे छ छह छ, तो ये भी भारी हरूफ हो गया। काफ रह रह, ये भी भारी हरूफ है। खे नह ना, ये भी भारी हरूफ है, ठीक है। अब ये देखें, नीचे भी हमें ये भारी हरूफ दिए हुए हैं, ये इमला के तौर पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। ख ख लह ला मह मा नह ना चह छ और पह फा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भारी हरूफ। अब मैं आपको बताऊंगी कि हरूफ तहजी पे अगर हम ऊपर ज़बर डाल दें तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, यानी जैसे अलिफ ज़बर आ की आवाज़ हो जाती है, ठीक है। जब अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाता है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, यानी आ की आवाज़ बन जाती है। बा आ बा बा आ, अब ज़बर है ना, तो आपने ज़बर पढ़ना है सबके साथ। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, या आप सिपारा जब पढ़ते हैं उसमें भी आप लोग ये पढ़ते हैं ना, ज़बर ज़ेर पेश, तो आपको पता है। तो ज़बर ज़ेर पेश के साथ जब हम पढ़ते हैं हरूफ तहजी तो उसकी आवाज़ भी तब्दील हो जाती है, ठीक है, यानी चेंज हो जाती है। जैसे अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, ता ज़बर ता ज़बर टा, सा ज़बर सा, जा ज़बर जा, चा ज़बर चा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दा ज़बर दा, डा ज़बर डा, ज़ा ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, सा ज़बर सा, शा ज़बर शा, सीन ज़बर सा आप भी कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि तो हमारे पास हम उर्दू पढ़ रहे हैं ना, यानी अलिफ वे पे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर सा, द्वाद ज़बर द्वा, तोइन ज़बर द्वा, ज़ोइन ज़बर ज़ा, ऐन ज़बर आ, ग़ैन ज़बर ग़ा, फ़े ज़बर फ़ा, काफ़ ज़बर का, काफ़ ज़बर का, गाफ़ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, छोटी ज़बर या, बड़ी ज़बर या, ठीक है। तो हमने इन हरूफ को इस तरह पढ़ना है, यानी इसके ऊपर जब ज़बर लग जाता है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, यानी बदल जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये हमें मश्क में कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं जिनके ऊपर ज़बर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, अब जैसे देखें, अब बे और नून को मिला के हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बे के ऊपर ज़बर है, ठीक है। बे के नीचे अगर ज़ेर लगा दें तो यही लफ्ज़ इसकी आवाज़ बदल जाएगी, अगर इसके ऊपर पेश लगा दें तो इसकी आवाज़ बदल जाएगी, ठीक है। ज़ेर ज़बर पेश से आवाज़ों में तब्दीली आ जाती है। अब जैसे बे के ऊपर ज़बर है तो बे ज़बर नून बन बन जाएगा, बे ज़बर नून बन। देखें, अगर बे के नीचे मैं ज़ेर लगाती हूँ तो बे ज़ेर नून बेन हो जाएगा, बदल गया ना, तब्दील हो गया,
इस लफ्ज़ की आवाज़ बदल गई है। अगर बे के ऊपर मैं पेश लगा दूँ बे पेश नून तो बुन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ज़बर हम पढ़ रहे हैं, आज हम ज़बर पढ़ रहे हैं। ज़बर के बारे में देखें, ज़बर का इस्तेमाल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आपने बे के ऊपर ज़बर ही लगा के पढ़ना है। बे ज़बर नून बन, अलिफ ज़बर नून अन, डाल ज़बर नून, डाल ज़बर रे डर, डाल ज़बर मीम दम, ज़ाल ज़बर रे ज़र, डाल ज़बर सीन डस, रे ज़बर शीन रश, रे ज़बर फे रफ, रे ज़बर काफ फे रख, रे ज़बर गाफ रग। ठीक है, तो ये देखें ये कुछ हरूफ थे जिनके ऊपर ज़बर लगा हुआ है और ज़बर के लगने से इसकी आवाज़ में तब्दीली आ जाती है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ना है, इसकी आपने रीडिंग करनी है। सही है, अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 27 पे देखें। अब आप पेज नंबर 27 पे देखें। अच्छा, अब ये देखें दिए गए अल्फाज पर, अब इन्होंने देखें ज़बर इधर नहीं लगा हुआ। ठीक है, अल्फाज के ऊपर ज़बर नहीं लगा हुआ, उस पीछे जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर ज़बर लगा हुआ था और ज़बर लगा के हमने पढ़ा है, इन अल्फाज के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, इस पर आपने ख़ुद ज़बर लगाना है। ठीक है, जैसे रे के ऊपर आपने ज़बर लगाना है, रे ज़बर बे रब, और ज़बर लगा के उसको पढ़ना है, उसकी आवाज़ भी तब्दील हो जाएगी। रे ज़बर बे रब, सीन ज़बर रे सर, दाल ज़बर रे दर, दाल ज़बर फे दफ, काव ज़बर टे कट, रा ज़बर रे ज़बर टे रट, दाल ज़बर मीम दम, अलिफ ज़बर बे अब। ठीक है, तो देखें इन सारे लफ्ज़ों का कोई ना कोई मतलब होता है। रब, जैसे रे ज़बर बे रब, तो रब अल्लाह ताला को कहते हैं। ठीक है, अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह ताला हमारा रब है। ठीक है, सीन ज़बर रे सर, तो सर सबके पास सर है ना, ये जो हमारा सर होता है। ठीक है, दाल ज़बर रे दर, दर अभी आप छोटे हो, अभी आपको इतना नहीं पता, लेकिन इन सब अल्फाज के कोई ना कोई मायने होते हैं। ठीक है, दर का मतलब है दरवाज़ा। ठीक है, उर्दू में दर दरवाज़े को कहते हैं। दाल ज़बर फे दफ, दफ वो एक बजाने वाला जिससे आवाज़ आती है, दफ उसे कहते हैं। ठीक ठीक है, अब कट, काव ज़बर टे कट, कट मतलब जैसे आपकी उंगली पे कट लग जाता है किसी चीज़ से, छुरी से या किसी चीज़ से, तो उसे कहते हैं कट। ठीक है, रे ज़बर टे रट, रट मतलब जैसे अगर आप बच्चे हो ना, अभी आप लोग बाज़ दफ़ा किसी चीज़ की रट लगा लेते हो कि जैसे मम्मा बस हमें यही चाहिए, हमने यही लेना है, कोई खिलौना पसंद आ जाए आपको, या कोई काम, कोई खेल आपने खेलना हो, कुछ भी करना हो, उसकी आप रट लगा लेते हो, या आपको खाने पीने में से कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसको कहते हैं रट। ठीक है, दाल ज़बर मीम दम, यानी दम कहते हैं कि अब मुझ में दम नहीं है और काम करने का, मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ। ठीक है, दम। अब हम लोग वैसे भी लफ्ज़ के मतलब जुमलों में रोज़मर्रा जो हम बातें करते हैं उसमें अब हम यूज़ करते हैं ना, अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला अब सही है। ये देखिए नीचे गए अल्फाज से जुमले बनाने हैं और ज़रूरत के मुताबिक ज़बर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये देखें अब हमारे पास पहला लफ्ज़ है रब, पर, कर, भर और डर। ठीक है, इनके आपने यहाँ पे सबके 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको लफ्ज़ दिए हुए हैं, इससे आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखें पहला उन्होंने ख़ुद आपको बना के दिया हुआ है मिसाल के तौर पर, जिसे रब रब कर, शॉर्ट शॉर्ट जुमले बनाए ना हमने कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अगला है पर, तो हमने ये लिखना है, आपने लिखना है ये मोर, मोर ए मोर, काफ अलिफ का, पेरे पर है, पर के ऊपर आपने ज़बर डालना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हमें ज़बर की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम ज़बर डालेंगे, ये मोर का पर है। ठीक है, फिर है कर, अब है मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, कर का जुमला आपने ये बना लेना है, शॉर्ट शॉर्ट से आपने जुमले बनाने हैं आसान, ताकि आप आसानी से बना सकें। ठीक है, फिर है नंबर 4 पे है पानी, ठीक है, भर है ना, तो आपने भर का क्या जुमला बनाना है, पानी भर दो। ठीक है, किसी चीज़ में भी आप जैसा, अब जुमला तो आपका कंप्लीट हो गया ना कि पानी भर दो, सही है। फिर है डर, डर का आपने जुमला बनाना है मैं डर रहा हूँ। ठीक है,
छोटे छोटे आप इसके अलावा भी अगर आप कोई जुमला बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले जुमले बनाएं, आप और भी कोई जुमले आपके जहन में आ सकते हैं ख़ुद से, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। सही है, तो ये आज का हमारा काम है। ठीक है, ये हमने कर लिया। आज हमने क्या पढ़ा है, ज़बर के बारे में। ठीक है, कि जब हम हरूफ तहजी के किसी भी हरूफ पर ज़बर लगा देते हैं तो उससे उसकी आवाज़ जो है वो बदल जाती है। ठीक है, पिछला हमने पढ़ा था भारी हरूफ, वो हमने कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, आप लोगों ने इसके गिर्द सिर्फ सर्कल लगाना है, ये मैंने आपको बता दी है कि कौन से भारी हरूफ हैं। अब आपको ख़ुद भी समझ आ गई होगी कि इसमें से भारी हरूफ कौन से, उनके गिर्द आपने दायरा लगाना है। और यहाँ पर आपने इनके जो ऊपर आपको लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसे है ये है देखिए रब, ठीक है पर, ठीक है कर, और ये है भर और टर। तो ये जो है ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं यहाँ पर, आपने इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ये वाले जुमले बनाएं। ठीक है, आप इसे चेंज भी बना सकते हैं, अगर आपकी समझ में कोई अच्छे जुमले दूसरे जुमले और आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके आसानी के लिए, क्योंकि अभी आपका फ़र्स्ट टाइम है, अभी आप छोटे हैं, आप लोगों ने जुमले नहीं बनाए, तो पहली दफ़ा इसलिए मैंने आपको ये जुमले खुद बना के दिए हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप खुद बनाएंगे जुमले। ठीक है, सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। ठीक है, जो आपके जहन में आ रहा है आप वो लिख सकते हैं।